नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग के साथ बातचीत करने आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आज संचालन करेंगे जिनका नाम है सीएल सैनी, जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों आइए सीएल सर से बात करते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार विजय, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस आज बढ़िया सर, कहीं बढ़िया। आज आपने आज जी का कह दिन जी था आज कि आपने एक आज अच्छी शुरुआत किया है। एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, समाज के सुधारक हम लोग के बीच में आ रहे हैं आपसे बात करने, हम सबसे बात करने। तो सर कुछ उनके बारे में बताइए, अगर वो जब तक नहीं आते हैं। जी मैं आज के साक्षात्कार की बात जो है वो एक छोटी सी बात से आरंभ करूंगा, जिसको सारा देश जानता है, सारा देश बात को समझता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो लाइन क्या है बात, ये हमारे देश की आजादी के उसके साथ जुड़ी हुई है, जिसमें हमारा देश आजाद हुआ, और ये चंद्रशेखर आजाद ने या भगत सिंह ने, ऐसे लोगों ने कही है। और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं अपने इस साक्षात्कार में, उनका नाम भी चंद्रशेखर आजाद है। बहुत सहारनपुर के निवासी बढ़िया। हैं चंद्रशेखर आजाद, और उन्होंने बहुत कम समय में वो तरक्की की है। कहते हैं ना कि आप अगर जीवन में कहीं पहुंचना चाहते हैं तो उसके समय की जरूरत नहीं होती है, एक जज्बे की जरूरत होती है, एक साहस की जरूरत होती है, और आपको अपनी बात कहने के दम की बात होती है। तो चंद्रशेखर आजाद ने, जो सहारनपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत कम समय में अपनी उस बात को समाज के सामने रखा और कहा कि मैं जो कहना चाहता हूं, समाज का जो बात, जो रुतबा है, जो समाज की जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो राजनीतिक पार्टियों से हल हट करके सारी बात करते हैं, उन्होंने उन सारी बातों को समाज के सामने रखा। और आज टाइम मैगजीन ने उनके बारे में छापा कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो आने वाले समय के भावी नेता है। तो ये बड़ी बात है कि चंद्रशेखर आजाद इस तरह बिल्कुल से युवाओं के बीच में उठे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की पॉलिटिक्स में, आज की राजनीति में, चंद्रशेखर आजाद युवाओं के नेता है। उनके साथ एक कितना बड़ा युवा बिल्कुल वर्ग खड़ा हुआ है, क्योंकि जहां तक मैं जानता बिल्कुल हूं कि इस देश में हर कोई राजनीति में न जाने किसी किसी कारणों से आता है, लेकिन युवा कभी भी अपने करियर के लिए, अपने उसके लिए कभी राजनीति को चुनता नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा माहौल बनाया है देश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हर जगह, कि युवा चुनने लगे हैं, च्वाइस को बनाने लगे हैं कि हमें राजनीति में जाना है। और एक बार बहुत बड़े किसी लोगों ने कहा था कि जब तक अच्छे युवा, अच्छे लोग जब तक राजनीति में आएंगे नहीं, तब तक राजनीति का सुधार होगा नहीं। जब तक युवा बिल्कुल हमारी बिल्कुल राजनीति को करियर की तरह चुनेंगे नहीं, तब तक हमारा सुधार होगा नहीं, हमारे देश की जो व्यवस्था है वो कभी भी बदलेगी नहीं। तो चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ में होने वाले हैं, हम उनसे बहुत सारी जी बात, सर। सर आजाद साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, अब क्या मैं बात। उनको जी जी बिल्कुल ला रहा हूं। स्वागत है सर आपका, स्वागत है आपका सर। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। जय भीम जय भीम, नमस्कार। जय भीम, कैसे जय हैं? भीम जय जय भीम सर, जय भीम, क्या हम मैं आपकी आपके बात। फ्रेम, ठीक ठीक है है सर, सर अब आप आप शुरू करिए। सही सर, आप शुरू करिए, करिए आपके फ्रेम में ठीक हूँ या मैं इसको थोड़ा ठीक करूँ? ना सर, आपका बिल्कुल फ्रेम सही आ रहा है, आप अच्छा दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही है अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। जी। आपने कह दिया तो सैनी साहब आपकी बात तो माननी पड़ेगी अरे आपको। सर, आज आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारा ये, मैं इसे कहूंगा कि बड़ा आज सुंदर दिन है कि आज आप हमारे साथ में लाइव बात कर रहे हैं। हम आपके साथ में, आपके बारे में हमेशा हम बड़ी बड़ी बातें सुना करते थे मुंबई में बैठ करके, लेकिन इतनी सुंदरता के साथ में आज आपको देखने का, रूबरू सामने होने का मौका मिला है। मैं अभी बात कर रहा था लाइव कि हमारे देश में कभी भी युवा राजनीति को करियर की तरह नहीं चुनते हैं, कभी भी जी जी वो, उसको हमेशा कोई उसके सामने समस्या होती है, किन्हीं कारणों से, स्वार्थ के कारण वो राजनीति में आ जाता है। जी लेकिन जी ऐसा लगता है, ऐसा मेरा भाव है कि आज के जो युवा हैं, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पहले तो आपके परिचय की बात कर लेते हैं, वैसे परिचय का मोहताज नहीं है, आप पूरे देश में टाइम्स मैगजीन की बात कर लें, विकिपीडिया की बात कर लें, किसी भी पेपर की बात कर, हर जगह आज अगर कोई छपता है तो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद छपते हैं। मैंने अपनी बात कही थी कि अच्छा बहुत सालों पहले एक कविता कही थी, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये उस चंद्रशेखर आजाद ने कही थी, और आज इन बातों को, इन सब बातों को चंद्रशेखर आजाद हमारे सामने बैठे हुए हैं।
और वो कहने के लिए सब बातें, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो चलिए हम सर शुरू करते हैं। आप के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आजाद साहब जो है वो सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, और मैं सर यहां से आरंभ करूंगा अपनी बात। पहले तो मैं हमारे जो दर्शक साथ में जुड़े उनसे कहना चाहूंगा, ये कोई पॉलिटिकल साक्षात्कार नहीं है, ये बहुत ही आपके व्यक्तित्व को लेकर के, हमारी उन सब बातों को लेकर के, बहुजन समाज को लेकर के, हम इसमें कोई राजनीतिक बातें नहीं करने वाले, कोई प्रोपेगेंडा की बात नहीं करने वाले, ये बहुत व्यक्तित्व का तरह है, इसको लोग इस तरह से बड़े प्रेम और भाव के साथ मिले और हमारे इस विचार को समझने की कोशिश करें जो हम विचार की बात करने वाले हैं, बहुजन की बात करने वाले हैं, तो वो हमारे इस पूरे इसका सारा साक्षात्कार का मुद्दा है। तो सर मैं यहां से आरंभ करना चाहूंगा जान साहब कि किस तरह से राजनीति में आपकी शुरुआत हुई, क्योंकि जहां तक मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानते हूं, पर आपसे बात हुई थी कि आप एडवोकेट हैं प्रोफेशनली और आप LLB की है, तो आपका शायद उद्देश्य कुछ और रहा होगा कभी, लेकिन राजनीति में किस तरह से आपका एकदम से आना हुआ? देखिए, राजनीति कई तरह की होती है। कुछ लोगों के लिए राजनीति एक व्यापार, कुछ लोगों के लिए सत्ता का साधन है, कुछ लोगों के लिए वो आर्थिक जो है ताकत का साधन है जी। लेकिन मेरे लिए राजनीति जो है वो वंचित वर्ग के अधिकारों की भलाई जी, और जो संविधानिक अधिकार जो उनको मिले हैं जी, जो भारतीय संविधान ने दिए, और ये आज का कार्यक्रम नहीं है, ये जो आंदोलन है मेरे लिए राजनीति संघर्ष जी, जो उम्मीदें भारत से हैं और भारत के नौजवानों से हैं, उन नौजवान उन उम्मीदों पे खरा उतरना, जो ये आंदोलन जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आज ये राजनीति जो है ना सामाजिक आंदोलन भी है, जो बुद्ध और कबीर जी के समय से चला, जो फूले साहू अंबेडकर का आंदोलन है, जो रामस्वरूप वर्मा जी का, जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, जननायक कपूरी ठाकुर का, जो महापुरुषों का आंदोलन है, पेरियार साहब का, पेरे लल्ली यादव का, वो आंदोलन जिसको आप राजनीति का नाम दीजिए, मेरे लिए जनसेवा है और एक अच्छे भविष्य, भारत के भविष्य का निर्माण। क्या बात, चोरों से भारत की आजादी, लुटेरों से भारत का बचाव सुरक्षा, बाहरी दुश्मन से ज्यादा जो आंतरिक दुश्मन यहाँ बैठ के जो है भारत को कमजोर कर रहा है, उनसे मेरे भारत की सुरक्षा जी, और सोने की चिड़िया जैसा जी जी, पहले भारत हुआ करता सोने की चिड़िया, जो सम्राट अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसी भारत की कल्पना जो है दोबारा से हम लोग करते हैं, और मुझे लगता है कि वो उसके लिए कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सही बात, तो यही राजनीति है और इसी राजनीति के लिए हम लोग मैदान में, कब आए पता नहीं लेकिन अब तो मैदान में। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा देश वाकई सोने की चिड़िया हुआ करता था। एक लाइन है छोटी सी, मैं गुलजार साहब की लाइन कहूंगा कि मैं अपना घर दीमकों से बचाता रहा जी। मैं अपना घर दीमकों से बचाता रहा, चंद कुर्सी के कीड़े पूरा देश खा गए। हाँ, देखिए कितनी अच्छी लाइन है, रहा चंद कुर्सी के कीड़े पूरा देश खा गए। तो हालात हमारे देश में यही हुआ कि राजनीति में जो पॉलिटिक्स में बैठे वो लोग थे, आपने जो बात कही हम अपने देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना है। अच्छा, आपके बारे में अक्सर बहुत सारी बातें होती हैं, मैं इधर फेसबुक पे बहुत सारी चीजें जब हमने डाला इसका इंटरव्यू का, बहुत सारी ऐसी बातें लोगों ने की, मैं उन बातों का भी जिक्र बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। हम भीम आर्मी की बात करते हैं, बहुत 2 साल पहली बात है, कुछ झगड़ा भी हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी भीम आर्मी में, आपके गांव में शायद ये पूरा एक पूरा वो एक पूरा जनसंख्या का सब वो चीजें हो गई थी, मैं तो उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जो भीम आर्मी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो अलग अलग तरह के लोग उसमें अलग अलग तरह की बातें करते हैं, जिसमें कुछ आरोप भी है, कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं और कुछ विवाद भी करते हैं, कुछ अच्छी बातें भी करते हैं उसके बारे में, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? भीम आर्मी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बस एक चीज जानना चाह रहा था सर्वप्रथम कि ये आपने कहां से सुना वाद विवाद और सब चीजें, कहीं मीडिया से तो नहीं सुना है? मैंने मीडिया से सुना है, मैंने ये भारत के मनु मीडिया से तो नहीं सुना आपने? जी, मीडिया से ही सुना है मैंने। हाँ, मैं बस आपको एक जानकारी देता हूँ जी। मेरा गांव है छुटमलपुर जी, मेरा पैतृक गांव है डाडाबटी, जो भगवानपुर ब्लॉक में है, जिला हरिद्वार उत्तराखंड में जी। आज तक इस मीडिया को जो जिसपे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं टीवी चैनल पे,
मैंने 20 ऐसे चैनल्स मैं आपको गिना दूंगा, उनकी स्टोरियां गिना दूंगा, जिनको ये ही नहीं पता है कि मेरा गांव कौन सा है। ओके तो वो मेरा गांव ही कुछ और लिख देते हैं, तो जिनको ये नहीं पता कि गांव कौन सा है, रहते कहाँ हैं, तो वो क्या सही लिखेंगे? और वो जो परोसते हैं सरकार के इशारे पे या अपनी जो उनकी मानसिकता उसकी वजह से जी, तमाम तरह की परेशानियां, जातिवाद है यहाँ, अभी जातिवाद पूर्ण पैर पसारे हुए, तो वो जो जो वो सोचते हैं, जिस मानसिकता से वो ग्रसित हैं, आप समझिए उन्होंने जो लिखा होगा उसमें कितना सत्य होगा। सत्य ये है कि भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन है जो दलितों को, पिछड़ों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक को, आदिवासियों को और भारत की महिलाओं को जी उनके अधिकारों के लिए, उनकी जो जो गुलामी उनके ऊपर थोपी गई उनकी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो स्वाभिमान सम्मान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जो कहीं भी जी। हमारे कार्यकर्ता जो हैं एजुकेशन पे काम करते हैं, हमने बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल खोले हुए हैं, हम कानून की जानकारी लोगों को देते हैं, संविधान की जानकारी देते हैं, गरीब बहनों की शादियां कराते हैं जी। और जहां जहां हमला होता है हमारी विरासतों पे, हमारे हक अधिकारों पे, जैसे कभी आपने एक मामला सुना होगा अगर आपके संज्ञान में, वो दिखाते नहीं है 70 साल में भी दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर जगह है जी, विराटनगर, वहां पहली बार दलित दूल्हा जो है वो घोड़ी चढ़ा है। हाँ, के साय में तो जो जहां अधिकारों की सुरक्षा की बात होती है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के आदान प्रदान की बात होती है, तो वो कार्य जो है भीम आर्मी करती है। और यहाँ सत्यता तो ये है, वाद विवाद की बात आप कर रहे थे कि अगर आप अपने हक अधिकार मांगने की बात करेंगे तो वाद विवाद हो जाएगा जी। अगर आप यहाँ आप अपनी अपनी खोई हुई जमीन के लिए लड़ेंगे तो वाद विवाद हो जाएगा। अगर आप यहाँ जो है सबसे जरूरी बात जो है, अगर अगर आप जो है यहाँ स्वाभिमान सम्मान की बात करेंगे तो वाद विवाद हो जाएगा जी। तो मैं वाद विवादों की परवाह नहीं करता हूँ। भीम आर्मी तो अपने काम से जानी जाती है, सही बात है। तो बाकी जब जिसको भीम आर्मी का काम देखना हो, भीम आर्मी के बारे में जानना हो, जमीन पे जाके देखे, पता लग जाएगा कि भीम आर्मी क्या करती है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी ये मीडिया से सुना था बहुत सारा, मैंने जाकर के जमीन पे नहीं देखा है, ये आप सही कह रहे हैं। मैंने विकिपीडिया पढ़ा कि आप बहुत सारे स्कूल चलाते हैं और लगभग 15-20 स्कूल का जिक्र भी किया गया था कि उसमें पढ़ाई करवाई जाती है, सब चीजों के संविधान की बात होती है, तो मुझे बात समझ नहीं आ रही थी कि भीम आर्मी, कुछ लोगों का ये कहना है कि उस क्वेश्चन को मैं बाद में आपसे पुटअप करूंगा, उसको आंसर मतलब बाद में देंगे, जहां से भीम आर्मी 2015 में आई थी मुझे लगता शुरुआत हुई है आप भीम आर्मी की, क्योंकि शुरुआत शुरुआत तो सैनी साहब पहले हुई है, लेकिन उसको नाम भीम आर्मी 2015 में दिया गया। और एक और बात, विकिपीडिया पे तो मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, आपके सर लिखा हुआ है विकिपीडिया पे मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है। जहां भी किसी जो है बहुजन समाज के व्यक्ति पर अत्याचार होता है, वहां भीम आर्मी पुलिस से पहले पहुंचती है, क्योंकि उसको लगता है कि जहां अन्याय जुल जाती होगी वहां भीम आर्मी को जाना चाहिए। सही बात जी जी सर, इसमें ये तो बात होगी भीम आर्मी की हमारी, हमको एक बात समझ में आ गई है कि भीम आर्मी जो है, मैं देश के लोगों को जिस वक्त हम पहुंच पा रहे हैं, आजाद साहब ने जो बात कही है कि भीम आर्मी कहीं भी किसी तरह से किसी प्रकार का जो मतभेद है या कोई भी जातिगत व्यवस्था है उसके वो खिलाफ नहीं है, वो सही कार्य करती है, वो लोगों की शिक्षा के लिए काम करती है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि हमारे देश का जो संविधान है, संविधान के बारे में लोगों को ने पढ़ा ही नहीं है, मुझे बड़ी हैरानी होती है आजाद साहब इस बात को सोच करके कि लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन देश का संविधान कभी नहीं पढ़ते, उसके बारे में कोई जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो ये आपका जो मिशन है कि हम कम से कम हमें पूरे संविधान, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने भी संविधान बहुत ही कम पढ़ा हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है कि बाकी देश के उस हर आदमी को संविधान की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी चीजों के लिए लड़ सके, खड़ा हो सके। ये आपका कमाल का मिशन है और मैं मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे वो अपने घर में संविधान की कॉपी को मंगवाएंगे और हर घर में मुझे लगता है संविधान की कॉपी को होना चाहिए और वो हमारी एक इस तरह से क्या कहते हैं उसको कि हमारी एक बाइबल है, एक गीता है, उसको मानना चाहिए। तो आगे बढ़िए, ये कोई किताब नहीं है, ये जी भारत के लोगों के लिए तो ये जीने का रास्ता है संविधान जी। तो जब लोगों को जीने का रास्ता नहीं पता है तो जियेंगे कैसे? सही बात बोल रहे हैं आप, और ये बहुत जरूरी है, ये जो आधार है जीवन का, इस जीवन के आधार को आगे आना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी बात में कि भीम आर्मी के बाद में, जैसे कि अभी 2021 में आपकी जो आजाद समाज पार्टी है ना,
जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, मतलब मैं क्या बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि बहुजन समाज, जो स्वराज बहुजन समाज, कि आपने वो पार्टी किस पर्पज, क्योंकि क्या है जहां तक मुझे लगता है कि बहुजन समाज के साथ में और भी दूसरी बहुत सारी पार्टी है, जैसे कि आप, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं यहाँ पे, है ना, जो बहुजन की बात करती है, है ना, उन्होंने भी ये बहुजन का नाम लेकर के पार्टी खड़ी कर दी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यूपी में, बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में देखता हूँ, यहाँ पे अठावले साहब हैं या दूसरे लोग हैं जो बहुजन की बात करते हैं, है ना। तो मैं इस मुद्दे पे आपसे जानना चाहता हूँ, आजाद समाज पार्टी उन पार्टियों से कैसे बेहतर है, और जो युवाओं की बात करते हैं और जो बहुजन समाज है पूरा का पूरा, वो किस तरह से हमारे साथ इस पार्टी के साथ में जुड़े, है ना। तो वो जो एक नया भेद है, एक नई बात है, मैं जानना चाहता हूं वो क्या है आजाद समाज पार्टी में, जिससे हमारे बहुजन का जो है वो एक उसका वेलफेयर बनती है। देखिए, आपने आजाद समाज पार्टी की बात करी जी, तो पहली बात तो आजाद समाज पार्टी जब से बनी, क्योंकि एक एक कड़वा सत्य है, प्राकृतिक नियम जी, मैंने भी ये सुना था और आपने भी सुना होगा कि जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो पहले उसका उसका उपहास उड़ाया जाता है जी, फिर उसका विरोध होता है, सही बात है, फिर उसका जो है ना उसका समर्थन होता है, सही बात है, तो ये एक प्रक्रिया है, सही बात है। तो आजाद समाज पार्टी जो है ना वो एक आंदोलन से निकली, भीम आर्मी नामक एक आंदोलन, समता समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का जो समान समता मूलक समाज को बनाने का जी, जो मैंने जैसे आपको कहा बुद्ध से लेके फूले साहू अम्बेडकर जी, वो जो एक पूरा वो है हमारे महापुरुषों का जो एक आंदोलन है जी, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बंधुत्व के लिए, भाईचारे के लिए, स्वाभिमान सम्मान के लिए, ये एक उस आंदोलन से, भीम आर्मी नामक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। और आंदोलन से माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि आंदोलन से नेता पैदा होते हैं जी, वो कहते थे समझौतों से दलाल पैदा होते, संघर्षों से लाल पैदा होते थे, सही, तो इसलिए आंदोलन से नेता तैयार होते, तो आंदोलन से बनी गई पार्टी इतिहास रचती है, आंदोलन भी इतिहास रचते हैं, आपको पूरे आंदोलन याद होंगे, बड़ी बड़ी सत्या उखाड़ फेंकी आंदोलन ने जी, जेपी आंदोलन आपको याद होगा, बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ा राम मंदिर आंदोलन आपको याद होगा जी, आंदोलन तो इतिहास को रचते हैं, तो इसलिए आंदोलन से निकली आजाद समाज पार्टी यहाँ अपने बहुजन महापुरुषों का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए और भारतीय संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, भारतीय संविधान को लागू कराने के लिए जी, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जितने भी दल हुए हैं उन्होंने तमाम तरह की चीजें की जी, उन्होंने एक विश्वास, आप पूछ रहे अलग कैसे हैं, उन्होंने तमाम तरह के वादे किए लेकिन वो खरे नहीं उतरे, सही, और 70 साल के इस लोकतंत्र में देश कहाँ आज चला गया है बताइए। लोग बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मतलब एट्रोसिटी बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, और जो गरीब लोग हैं वो गरीब हो रहे हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, जैसे कि भारत जो है, भारत की इकोनॉमी देखिए कहाँ चली गई, जीडीपी देखिए कहाँ चली गई, माइनस में 17%, सही बात, और वो जो हमारे यहाँ के कुछ पूंजीपति हैं उनकी इनकम इतनी बढ़ गई है जो आपके यहीं से आते हैं लगभग मुंबई के आसपास से कि वो एशिया में दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे घूम रहे हैं, तो यानी कि एक ही घर में एक ही जगह पे एक एक बड़े पूरे देश की आमदनी घट रही है और दो व्यक्तियों की आमदनी बढ़ रही है या उनके आसपास के जो सर्कल है, यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा। तो ये जो आजाद समाज पार्टी है ये वंचित वर्ग के उन लोगों के लिए जिनको मैंने कहा जिनको जो दलित अनुसूचित जनजाति के लोग आदिवासी जो हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और इस देश की शोषित महिलाओं के लिए जिनके अधिकार आज भी जो हैं छीने गए हैं जिनको आज भी असमानता और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जी, जो जहां वो अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और इस लड़ाई में शामिल होके भारत में गुलामी से आजादी, जैसे मैंने कहा कुछ भ्रामक प्रचार होते हैं कहते हैं कि यार चंद्रशेखर आजाद जी ने तो अपने नाम से पार्टी बना ली आजाद हाँ। समाज पार्टी तो मैं आज भी मेरे साथ ऐसा ही वाक्य हुआ, मुझे एक सज्जन ने कहा, मैं मीटिंग में था, उन्होंने मुझसे कहा कि सर मेरा एक सवाल है हाँ। तो मैंने कहा बताइए क्या सवाल है, तो कहा कि आजाद आपने अपने नाम से पार्टी क्यों बनाई, तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मेरे पास अब यही है कि भारत प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो है ना एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था जिसको कहते हैं आधार कार्ड हाँ। तो
आधार कार्ड उन्होंने लॉन्च किया और कहा कि ये पहचान है, तो आप अगर देख पा रहे हो तो इसमें देखिए मैं करीब कर देता हूँ, मैं कैमरे के सामने कर देता हूँ, ठीक आ रहा है कैमरे के सामने? अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो इसमें मेरा, इसमें मेरा नाम जो है वो चंद्रशेखर है जी, आजाद नहीं। अच्छा। जिस दिन मैंने मानसिक गुलामी छोड़ी, ओके, जिस दिन मैंने आडंबर पाखंड पाखंडवाद को छोड़ा, और जिस दिन मैंने ये तय किया कि हम भारत के शासक जमात बन सकते हैं, और जिस दिन मैंने ये तय किया कि हमें अपने महापुरुषों के आंदोलन संघर्ष बलिदान को आगे बढ़ाना है, जिस दिन मैंने तय किया कि बहुजन किसी का गुलाम नहीं आजाद है, उस दिन मैंने अपने नाम के पीछे आजाद लगा लिया, और इस आंदोलन को जो भीम आर्मी नामक आंदोलन है, इसकी इसके आंदोलन से निकली आजाद समाज पार्टी जो इस आंदोलन का एक हिस्सा है जी, बहुजनों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए जी, ठीक है। तो मैं लोगों पे ज्यादा, लोग तो यहाँ अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट से तय करते हैं कि कोई अच्छा या बुरा जी, उनका इंटरेस्ट होता है, अगर उनकी जाति का है तो उनका इंटरेस्ट होगा तो कहेंगे अच्छा है, चाहे वो कितना बुरा हो जी। आप देखें ना, कोई अगर स्वर्ण जाति का कोई व्यक्ति है, उसकी जाति का व्यक्ति चाहे वो चोर भी हो उसको बुरा नहीं कहेगा, उसके लिए भी वो तथ्य ढूंढेगा, कहेगा नहीं वो ये है, उस पर झूठा एलिगेशन लगा दिया, उस पर कर दिया। तो इस तरह से ये जाति के प्रति एक जो सकारात्मकता है लोगों की, उस जाति के लोगों की, इस वजह से सब चीजें होती है। तो इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट में मैं नहीं जाना चाहता, हमारा काम है काम करना और वो हम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है, इस बात की खुशी है। अच्छा साहब, मैंने ना एक बात देखी हमेशा, अक्सर क्या होता रहा है, हम लोग अभी जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं, कुछ भी आंदोलन है ना, बड़े बड़े लीडर से निकल करके आए, जेपी आंदोलन से मुलायम साहब निकल करके आए थे, है ना, चंद्रशेखर जो चंद्र प्रधानमंत्री वो निकल करके आए थे, बहुत सारे लोग जो निकल, और जब भी कोई आंदोलन होता है वो हमेशा मुद्दों की लड़ाई, मुद्दों लड़ाई जब लड़ी जाती है, जैसे किसान आंदोलन की मैं बात कर लू, दिल्ली में जो चल रहा है उसमें एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही है, और फिर इन्हीं मुद्दों से निकल करके, इन सब आंदोलन से निकल करके एक पार्टी निकल करके आती है, जैसे अभी भीम आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है समाज के काम करने के लिए। लेकिन होता क्या है, कई बार जैसे एनजीओ काम करते हैं या दूसरे संस्थान काम करते हैं, कई बार उनके पास सत्ता नहीं होती है तो उस चीज को लेकर के पिछड़ जाते हैं। जहां तक मुझे समझ में आता है कि अगर आपके पास पावर भी है और आप सामाजिक काम भी करना चाहते हैं, दोनों चीज जुड़ जाए तो समाज का भला हो सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आंदोलनों से जो पार्टियां निकल कर कई बार आती हैं, लीडर निकल करके आती हैं, मुद्दे बाद में कहीं खो जाते हैं, मुद्दे खो जाते हैं और खाली नेता रह जाते हैं। और वो नेता होता क्या है, जहां पर मुझे आभास होता है, आप ज्यादा समझदार साहब राजनीति में, कि राजनीति सत्ता है, सत्ता मुद्दों को समाप्त कर देती है, क्योंकि राजनीति सत्ता चाहिए होती है, राजनीति कुछ सत्ता है, जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक वो काम नहीं करेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में कुछ ऐसा घटे, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है, आप चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात, बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई थी तो देश में एक लहर थी, मैं उस टाइम पे योग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बहुजन समाज पार्टी में जब मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी वहां पे लखनऊ में, और वो गैस कांड वहां पे हुआ था, मैं उनके साथ में था उस दिन, है ना, उसके पाल में जगपाल सिंह जी के साथ में उनका पीए होता था, मेरे राजनीति में मेरा बहुत गहरा इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि मेरा मोह भंग हो गया। मुझे लगता था कि यार जहां सच नहीं है वहां पे मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं, जहां मुद्दे नहीं है, जहां विचार नहीं है, जहां वैचारिक क्रांति नहीं है, वहां कैसे खड़ा हो सकता हूं। तो क्या राजनीति की जो सत्ता आती है वो सत्ता क्या इन मुद्दों को, इन विचारों को खत्म कर देती है? क्या आजाद समाज पार्टी हम इस बात को लेकर के अलग रख पाएंगे हम इस चीज को हमेशा के लिए? मैं ये आपसे भविष्य की बात कर रहा हूं, ये आज की बात नहीं है सर, ये भविष्य की बात है। हाँ ठीक है, भविष्य के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, लेकिन हम वर्तमान परिस्थितियों पर ज्यादा बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सुनने वाले लोगों तक जो है अपना संदेश पहुंचा पाएंगे। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो महापुरुष हुए हैं वो समय समय पे अपने विचारों से इन सब चीजों के लिए हमें अवगत करा के गए जी। तो हमने जब जब हम अपने सिद्धांतों को भूलते हैं, जब जब हम जो है वास्तविक जो अपनी लड़ाई है जी, उनको भूलते हैं, जब जब हम लोग जो है अपने महापुरुषों के विचार है यानी कि अपना इतिहास है उनको बोलते, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं बना सकती। सही बात। और जब जो वो अपने भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकती, ये व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी जी। तो जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनसे सीख लेके तो नया कुछ तैयार हुआ है। जैसे पिछली बार हमसे कुछ गलती हुई, मैं सोचे मैं क्रिकेट खेलने गया, और मैं क्रिकेट का इसलिए उदाहरण देता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ,
मैं देखता हूँ कि भारत जो है ना, भारत एक इमोशनल देश है, और मैं आपसे पूरी ईमानदार से बताऊं तो यहाँ क्या होता है कि ये इमोशनल कंट्री के जो लोग हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगा बाद में, लेकिन मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ जी कि मैंने गलत शॉट खेला जी और उसका नुकसान ये हुआ कि मैं आउट हो गया। तो फिर जब मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको उसको जो है ना रिपीट ना करूं। सही तो बात, पिछली जो मूवमेंट जिसके बारे में आपने कहा, वहां कुछ गलतियां हुई हैं, उनसे सीख लेके जो है हमने आजाद समाज पार्टी बनाई, जी, यानी कि वो 15/85 का जो आंदोलन था, जिसको जिसको राम रामस्वरूप वर्मा जी भी कहते थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी भी कहते थे, माननीय काशीराम साहब भी कहते थे, जिसको जिसके जिस जिनके लिए जिनसे हमें सीख मिली है, अगर हम अपने उन महापुरुषों के आंदोलन, उनके सीख को, उनके विचारों को छोड़ देते हैं तो वास्तविकता में पतन निश्चित है। तो वास्तविकता में हम लोग अपने मुद्दों से भटक सकते हैं। अगर हम उन अपने विचार महापुरुषों के विचारों पे खड़े रहते हैं तो फिर ये गलतियां होने की संभावनाएं कम, और इसलिए मैं अपने राजनीतिक गुरु जो है वो माननीय काशीराम साहब को मानता हूँ, मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानता हूँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानता हूँ, मैं राम राम रामस्वरूप वर्मा जी को मानता हूँ। जी तो इसलिए मुझे लगता है कि गलतियों की गुंजाइश कम है। ये बहुत अच्छी बात, हाँ बहुत, भारतीय संविधान साथ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सुनवाई होती है लोगों की, इंटेलेक्चुअल फोर्स है, जो मिशन 78 काशीराम के नाम से जो रणनीतियां बनाती है, तो सामूहिक रूप से टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, और उम्मीद है अभी तक जो है इतने कम समय में आगे बढ़े हैं, और अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बहुत कम समय में लंबी यात्रा तय की है, ऐसा नहीं कर पाते, लोगों को जिंदगी खत्म हो जाती है इधर यहाँ तक आते आते, और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं इस बात से मुझे लगता है कि राजनीति जो है वो राजनीति की जो सत्ता है, जो मुद्दे लेके आप चल रहे हैं, जो इन विचारों को आप लेके चल रहे हैं, वो राजनीति सत्ता है, उसको कभी खत्म नहीं होने देगी, ऐसा मैं विश्वास करके हम लोग इस चीज को आगे बढ़े। सत्ता भी तो इसलिए है ना, मैं तो चाहता हूँ मुद्दा खत्म हो जाए, हाँ मगर मैं उस मुद्दे का परमानेंट इलाज चाहता हूँ ना। जब जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो अगर हम उस मुद्दे को ना खत्म कर पाए तो हम कर क्या रहे हैं। सही बात है भाई, जिस जिस कार्य को दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं और हम उसको मुद्दा बना रहे हैं कि भाई ये कार्य नहीं हुआ, और जब हम सत्ता में अगर हम भी नहीं खत्म कर पा रहे फिर भी मुद्दा रह रहा है, तो विचारों पे तो सिद्धांतों पे तो खड़े रहे, लेकिन मुद्दा तो नहीं रहना चाहिए। मैं तो इस बात पे स्पेशली कहूंगा कि मुद्दा तो नहीं रहना चाहिए, मुद्दे का तो जो है निराकरण होना चाहिए, वो जिस जिस समस्या के लिए, समाधान के लिए आप आए थे, वो समस्या का समाधान तो जरूरी है, वो जरूरी है, और वो तभी खत्म होगा जब आप सत्ता में नहीं आएंगे। हाँ, जब सत्ता में आ जाएंगे तो समस्या तो खत्म होनी चाहिए, नहीं आ जाए अलग बात है, लेकिन जो पुरानी जिसके खिलाफ आए हैं और ताकत मिलने पर भी ना खत्म कर पाए तो फिर क्या फायदा आपका सत्ता में होने का। फिर तो 131 MP हैं, SC ST के जो बेचारे घूंगे बहरे नहीं बोलते हैं सदन में बैठ के, और यहाँ दलितों पे अत्याचार होता है, पिछड़ों के अधिकार छिन जाते हैं। यही यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो SC ST समाज है, कभी भी उस समाज का हमेशा यूज किया गया, उस समाज को हमेशा एक वोट बैंक की तरह ले लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो समाज, पूरा समाज, चाहे वो बहुजन का समाज हो, मैं OBC से आता हूँ, है ना, हमारा जितना भी दलित समाज है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में तो उसके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं, उसके ऊपर बंगाल में बहुत जुल्म हुए हैं, आप उसके पास ईस्टर्न यूपी में पूरा का पूरा बहुत जुल्म हुए हैं, चाहे हमारे वेस्टर्न यूपी में थोड़ा कम हुए हो, क्योंकि उतना नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो SST वो थोड़ा उभरे हुए लोग हैं, मतलब थोड़ा उनमें दम है उस बात को कहने का, लेकिन आप अगर पूना की तो बात आप करते हैं, पूना में इतना ब्राह्मणत्व था, इतनी सारी चीजें थी। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ कि मैं ज्योतिबा फुले पे काम कर रहा था इधर, कि यहाँ पे उस टाइम पे एक दौर था पूरा का पूरा कि अगर कोई दलित गुजर रहा है तो उस दलित के गले में घंटी बांध दी जाती थी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था कि हमको ये पता चल जाए पहले से कि एक दलित आ रहा है, घंटी बज रही है भाई साहब, और उसके पैरों के निशान हम पे नहीं पड़ने चाहिए। तो दलित बस मेरा एक सेकंड, आपने जो है ना वो, मैं आपकी बात इसलिए रोक रहा हूँ जी, ये जो बात आपने पेशवाई समय की है जी, मैं बस आपसे जानना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सच बोलेंगे जी, ये कौन से लोग थे जो घंटी बांधते थे? ये वही थे जिनकी मैं ब्राह्मणों की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अच्छा, मैं ठीक ये वो लोग थे और जो ये जो आज भी भारत के अंदर
दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं जी, उनकी बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये भारत से बाहर के लोग तो नहीं, जो भारत के बहुजनों के दलित पिछड़ों की हकमारी कर रहे हैं? ये क्या भारत से बाहर के लोग कर रहे हैं? क्या अमेरिका के लोग कर रहे हैं? यही के लोग हैं, ये यही के लोग हैं, ये वही लोग हैं। और दूसरा मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं मेरी उन लीडरों से बात है जिसमें आप एक लीडर हैं हमारे, उनमें हमारे बहुत सारे यूपी के लीडर हैं, बहुत सारे यहाँ के लीडर हैं। अक्सर होता क्या है, जो हमारा दलित समाज है वो इमोशनल समाज है, क्योंकि उसके साथ इतने अत्याचार हुए, इतने उसके साथ में चीजें गलत हुई है और आज भी हो रही है सर, ऐसा नहीं कि आज नहीं हो रही है, आज भी बहुत सारी गलत किया जा रहा है उनके साथ में, कभी उनको वो अधिकार नहीं मिलता है, हमेशा उनको आज भी हम कितना भी उनको गले लगा लेते हैं लेकिन फिर भी लोगों को उनको एक्सेप्ट करने में, उनको स्वीकार करने में स्वीकृति नहीं आती है, सिर्फ उनके वोट बैंक की तरह इमोशन को यूज किया जाता है, तो और वो हमेशा ठगा का ठगा रह जाता है पूरा समाज। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो हमारी जो पार्टी आपकी है आजाद समाज पार्टी, शायद ऐसा नहीं भविष्य में होगा, शायद वो जुड़ करके सामने आएगी इस चीज को लेकर। सैनी साहब देखिए, आप एक एंकर से ज्यादा बहुजन समाज का एक हिस्सा भी है। सही बात बोल रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि देखिए, चाहे किसान आंदोलन, आजाद समाज पार्टी इसलिए अलग, चाहे वो CNPR एनआरसी आंदोलन जी, चाहे वो कोई भी, क्योंकि अब कोरोना काल है, कोरोना का पिछका काल का समय देख लीजिए, अब तो हम कोरोना की वजह से ज्यादा नहीं निकल पा रहे, लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी जहां भी आंदोलन होता है और जहां भी कोई सताया जाता है, जहां भी कोई परेशान होता है, दुखी होता है, तंग होता है, जहां भी कोई मुश्किल में होता है, आजाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। अभी जब ये वहां पर मुंबई में अभी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के लिए, मराठाओं के लिए ऑर्डर आया, हमारे जो मराठा लीडर हैं वो तो चुप हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के लोग पुणे में आंदोलन कर रहे हैं, गिरफ्तार हुए, जेल गए, कई जगह पे जो है इन सब चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि यहाँ तो दलित समाज के लोग है सिर्फ, ऐसा नहीं है, ये पूरे बहुजन समाज की पार्टी है। लेकिन मुझे लगता है कि पहले जो मैंने कांचीराम साहब से सीखा है कि कहते हैं कि जिसका घर मजबूत नहीं होता उसका बाहर भी मजबूत नहीं होता, तो पहले क्योंकि क्योंकि मुझे लगा कि एक बड़ा वर्ग है जो जिसके हालात बहुत खराब हैं, जिसमें मैं पैदा हुआ हूं, तो इसलिए जो है मैंने सबसे पहले इनको जोड़ा और दलित समाज की जितनी जातियां हैं उन सबको लीडरशिप दी, उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ना स्टार्ट हुआ, उनको भी जोड़ना। अब जो है हमारा जो है जो हमारा काम चल रहा है, जैसे प्रजापति, जैसे कश्यप, जैसे पाल, जैसे सैनी, जैसे मौर्या, कुशवाहा, राजभर, पटेल, कुर्मी, ये जो जातियां हैं बैकवर्ड की, गुजर, जाट, ये जो बैकवर्ड की जातियां हैं, जो हमारा बहुसंख्यक समाज है जी, विश्वकर्मा जिसको बढ़ई लोहार कहते हैं, ये जो तमाम जातियां हैं, इन लोगों को जोड़ने का जो है अब हमारा धरातल पे काम चल रहा है, क्योंकि हमारी बुनियाद मजबूत हो चुकी है, अब दलित समाज के लोग हमारे साथ खड़े हो चुके हैं, और राजनीतिक सत्ता पाने के लिए हमें अब बहुजन समाज की जो और बड़ी जो वर्ग है उसकी भी जरूरत है, तो अब उनको हम जो है तैयार कर रहे हैं कि उनमें से नए नेता तैयार हों जो अपने अधिकारियों के प्रति सचेत, तो अब हमारा काम जो है इन सब चीज लोगों पे, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, और उनको वास्तविकता में तो ये बताने के लिए कि आपकी हकमारी अमेरिका ने नहीं की है, आपकी आपके जो अधिकार हैं, आपकी जो जो आरक्षण है उसको ब्रिटेन ने नहीं छीना है, फ्रांस ने, वो यहीं के लोगों ने छीना, वो कौन लोग हैं? आपको ये भी चिन्हित करना पड़ेगा कि आपके आपके संसाधनों पे कौन कब्जा करे बैठा है, हकवारी किसने की है, शोषण कौन करता है, ठीक है ना, ये जुल्म जाति करने हमारे पास जो है अफगानिस्तान नहीं आता है, सही बात बोल रहे हैं, यही के लोग करते हैं, नहीं वही इस समाज के साथ में हमेशा ही वो गड़बड़ हुई है, जो हमारा पूरा समाज है, जो दलित कह लो उसको, आप उसको एक पूरा नाम देते हैं बहुजन समाज का, कि वो हमेशा उसके साथ में ये सब चलता रहा है। एक क्वेश्चन था, मैं जी, आप कुछ कह रहे थे? खत्म कर देंगे, हाँ, ये बहुत जरूरी है, जब तक ये बराबरी का जो संसाधन है, ये बराबरी का जो स्थान है, जब तक ये नहीं आएगा, मुझे लगता है ये देश जो है उस स्थान पर कभी नहीं पहुंच सकता जहां पर इसकी कल्पना की जाती थी। हर उस अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति को जड़ से खत्म कर देंगे जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जी। अच्छा, एक बड़ा ही ज्वलंत सा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आप बहुत शॉर्ट में दे सकते हैं, कि अगर भविष्य में, अगर मतलब मैं ये कहता हूं कि एक ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जिसका एक पूरा विरोध है हमारे यहाँ पे,
एक ब्राह्मण है जाति वर्ग पूरा का पूरा, और एक ब्राह्मण तो जो एक विचार है पूरा का पूरा। सपोज कल इस बहुजन पार्टी इस पार्टी के साथ में, इस समाज के साथ में ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो इस विचारधारा के साथ में जुड़ता है, तो क्या आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी उसका स्वागत करती है अगर, या हम उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं? देखिए मैं हम सब लोग भारतीय संविधान को मानते हैं जी। बहुत सारे झूठ जो है वो फैलाए जाते हैं, भ्रामक प्रचार, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई ये तो इस धर्म का विरोध करते हैं, उस धर्म का विरोध करते हैं, जाति का विरोध करते हैं। बेसिकली हम विरोध के लिए नहीं है जी। हम तो अपने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है, उनके अधिकार दिलाने के लिए जी। तो मैं विरोध को ज्यादा बेहतर नहीं मानता हूँ, मैं तो कुछ कर दिखाने की भूमिका को अदा करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस आइडियोलॉजी को जो लोग मानते हों, और जी जो जाति धर्म से ऊपर उठ के जातिवाद के खात्मे के लिए, जैसे बाबा साहब ने कहा जातिवाद का बीज ना, जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, कोरोना से भी बड़ी समस्या अगर देश में कोई है वो जातिवाद, जो बांटती है, जो टुकड़ा करती है, जो जो एकता अखंडता को जो खत्म करती है। जब तक देश से जातिवाद नहीं खत्म हो सकता तो अखंड भारत नहीं बन सकता है। ये झूठे ड्रामे करना भाजपा आरएसएस के लोग बंद करें, अखंड भारत के और तमाम चीजें, जब तक यहां से जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमारे साथ जुड़ता है, वो असमानता के खिलाफ बोलता है, धर्म निरपेक्षता को मानता है, भेदभाव छुआछूत के खिलाफ खड़ा होता है, जो भारतीय संविधान को मानता है, हम तो राहुल शंकरायन को मानते हैं, वो तो ब्राह्मण समाज से थे लेकिन वो तो समानता के लिए लड़ते थे, तो हम तो हर उस व्यक्ति को मानते हैं जो गैर बराबरी जुल्म जाति अन्याय असमानता के खिलाफ खड़ा, जो समता समानता बंधुत्व भाईचारे समता मूलक समाज की स्थापना के लिए तैयार, हम तो हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे। तो ये जो भ्रामक प्रचार है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ये तो मैंने जैसे कहा कि विपक्ष के लोगों ने या जो लोग ये मानते हैं कि आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज का एक बड़ा दल बनके जो है यहाँ उन लोगों को लीडरशिप देके, उनका नेतृत्व, उनको नेतृत्व देके यहाँ उनकी सरकारें बना के उनको हक अधिकार दे सकता है, जिनको लगता है कि जो उन्होंने उनकी अधिकार छीने वो छिन जाएंगे उनसे, वो इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सबका स्वागत है, बस जैसा मैंने बताया कि वो इस आइडियोलॉजी को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की आइडियोलॉजी को फॉलो करे, क्या बुराई है इसमें? कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज से है ना, हमारा बहुजन समाज है वो तो बात अलग है, अगर कोई दूसरे समाज का व्यक्ति है और वो उस समरसता की बात करता है, संविधान की बात करता है, तो उसका स्वागत है ना, वो जाति विशेष में नहीं जाता है, तो आजाद समाज पार्टी उसका स्वागत करता है, फिर वो चाहे कोई। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की महिलाओं को, क्योंकि भारतीय संविधान से पहले इस देश की तमाम महिलाओं को अधिकार नहीं थे। हाँ, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर इस्तीफा दिया। हाँ, बेसिकली उसमें पिछड़े वर्ग के लिए आयोग, और जो आज तक पिछड़े वर्ग के लोगों को नहीं पता है, दूसरा महिलाओं को बराबरी के अधिकार, उनके लिए आर्थिक सशक्तिकरण, उनको जो है संपत्ति बराबर के अधिकार, तो तब उन्होंने इस्तीफा दिया। तो हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, तो देश की तमाम जो बहने हैं जो चाहती हैं कि वो भी जो है सामाजिक सेवा के माध्यम से कुछ कर दिखाने के माध्यम से, जो जिनको नकारा गया है ये कह के कि महिलाएं कमजोर होती हैं, जबकि एक पुरुष भी एक महिला से जन्म लेता है, तो वो उन महिलाओं का भी योगदान जो है राजनीतिक क्षेत्र में आके और देश को आगे बढ़ाने के लिए लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ के भारत के पुरुष प्रधान ने, भारत की व्यवस्था ने उसको नकारा है। तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कि अगर वो किसी भी जाति समाज की महिला अगर वो चाहती है जी। भारत में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ जाए, महिलाओं को बराबर के अधिकार मिले, तो वो उनका भी स्वागत है। तो हम तो यहाँ उन सब लोगों के स्वागत के लिए हैं जो इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, समता समानता बंधुत्व भाईचारे के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सही बात, आपने बहुत अच्छी बात की है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय जो है वो स्त्रियों का समय है, जब तक, क्योंकि हमारे पुरातन काल से स्त्रियों को हमेशा दबाया गया है, उनके पूरी शक्ति को कभी समझा नहीं गया, और ये बहुत अच्छी बात आपने आरंभ की है कि स्त्री सशक्तिकरण जब तक होगा नहीं देश में तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं। एक बहुत प्रश्न सा सवाल है, जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी तो मैंने फेसबुक पर डाला, तो किसी बड़े मित्र का मुझे एक SMS आया जो मैंने आपको भेजा भी था, कि मैं बताया था कि उसने मुझे क्या पूछा कि मिस्टर सैनी आप जानते हैं आप हिंदुस्तान में पिछले 20 साल से मैथोलॉजी लिखते आ रहे, ऐसा कोई भगवान नहीं जिसके बारे में आपने नहीं लिखा है,
आपने किसी भी देवता को नहीं छोड़ा, समझना मेरी बात को, कि ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसके बारे में आपने ना लिखा हो। और हम उन देवताओं को, मंदिरों को फॉलो करते हैं आपके कारण। मेरे कारण लगभग हिंदुस्तान में 2000 टेंपल बने, मैं आपको मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप तब झूठ थे या आप झूठ हो। मैंने पूछा क्यों झूठ हूं मैं, कहता है कि आप उस आदमी के साथ का बात कर रहे हैं जो हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों में भ्रामक प्रचार क्यों है कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो हिंदू संस्कृति के विरोध में है, ऐसा मुझे बताया जाता है, कहा जाता है, जबकि मैं मेरा अंदर से किस अंतर्मन को आपसे बात करके मुझे कभी लगा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसमें क्या सच्चाई है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू संस्कृति क्या मानते हैं आप, मतलब वो क्या संस्कृति है जिसको आप हिंदू संस्कृति मानते हैं। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्लियर हो जाएगा कि आपका मुझे भी ऐसा लगता हो या वास्तविकता ये हो, तो वो क्या मुझे आप पांच चीजें बता दीजिए, पांच कारक जो हिंदू संस्कृति के पैरोकार हैं, मतलब जिनको आप हिंदू संस्कृति मानते हैं। हिंदुस्तान में अगर मैं हिंदू संस्कृति की बात करता हूँ, जिसको बहुत ही लेवल समझते हैं, उसको सिर्फ लोग इतने लेवल समझते हैं कि जो पूजा पाठ होता है, जितने देवी देवता होते हैं, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से एक आम आदमी की भाषा में बात कर रहा हूँ कि आम आदमी जो समझता है कि जितने भी सारे देवी देवता हैं, सब पूजा होती है, ये होता है, वो होता है, उसको लोग हिंदू संस्कृति समझते हैं। हिंदू की जो संस्कृति है उसको लोगों से वाकिफ ही नहीं है, वो जानते ही नहीं हिंदू संस्कृति क्या होती है। उनको लगता है कि अगर कोई आदमी, मेरा ये मानना है, कभी भी मैं इस बात को कहता हूं कि मैं पाखंडवाद का जो है मैं उसका विरोधी मैं भी हूं। मैं पाखंडवाद की बात कभी नहीं करता, जो कर्मकांड की बात आप करते हैं, लोगों को शायद लगता है कि कर्मकांड जो है वो हिंदू संस्कृति, जबकि वो कभी है ही नहीं, है ना। तो मैं भी उसका विरोध करता हूँ, कर्मकांड कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी जो हिंदू संस्कृति की मैं बात करता हूँ, आप मेरी बात का समझ गए, उसका आंसर देना चाह रहे हो, मैं चाहता हूँ आप ही बोले और आप ही अपने मन से। जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए दो तीन चीजें क्लियर करता हूँ। पहली बात, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ भारत में समानता के लिए तमाम तरह के प्रयास करते रहे और वो चाहते थे कि सुधार हो, लेकिन जो ठेकेदार बैठे हैं वो सुधार नहीं कर पाए। तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। सही बात। तो मैं बस आपको याद दिला रहा हूं, अगर संस्कृति के नाम पे आप महिलाओं को ये कहते हैं कि वो छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, वो अपनी मर्जी के लड़के से शादी नहीं करेंगी, वो स्वतंत्रता से नहीं घूमेंगी, या आप ये कहते हैं कि महिलाओं को बराबर के अधिकार नहीं, जैसे मैंने अभी यूपी में पढ़ा कि एक दलित ग्राम प्रधान बनी महिला और उसको कुछ जो है कायर लोगों ने, उनको लिखते हैं अखबार के लोग दबंग लिखते हैं, लेकिन उनको लिखना चाहिए नीच लोग, छोटी मानसिकता, उन्होंने उसको जो है कुर्सी से उसका हाथ पकड़ खींच दिया क्योंकि वो उनको पच नहीं रहा था। अगर आप ये कहते हैं कि ये जो घटना मैंने आपको जिक्र किया या महिलाओं के साथ जो रेप होता है, इसको आप हिंदू संस्कृति के नाम पर जायज मानते हैं, दलितों के और या पिछड़ों को मूछे रखने के नाम पे, आदिवासियों को अधिकारों के नाम पे, जो अपने जो जंगल जमीन जो है उनके जो अधिकार, या जो है दलित समाज के लोग या वंचित वर्ग के बहुजन वर्ग के लोग अपने अधिकार मानते हैं, या आप ये कहते हैं कि दलित मंदिर में नहीं जाएगा जी, अभी जो मैंने आपको बताया दलित घोड़ी नहीं चढ़ेगा, अगर आप इसको संस्कृति मानते हैं तो मैं इसको संस्कृति नहीं मानता भाई, मैं इसको गुलामी की बेड़िया मानता हूं, मैं इन बेड़ियों को काटना चाहता हूं। देखियो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाखंडवाद और आडंबरवाद के खिलाफ है, वो कहता है कि इसका हमें इसके नुकसान होते हैं, कई दफे महिलाओं को इस पाखंडवाद के चक्कर में उनके रेप होते हैं, सही बात बोल, ठीक है, उनकी उनकी हत्याएं होती है, नरबलियां होती हैं, बच्चों को कत्ल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस आडंबर पाखंडवाद, आप फिर मैं फिर वहीं लेके जा रहा हूं आपको, आपने छेड़ दिए बात, तो मैं ये भारत इमोशनल देश है और इस पाखंडवाद ने तमाम तरह के आडंबरवाद ने इतना बेवकूफ बना दिया लोगों को कि लोग जो है वो भगवान भरोसे, उनको लगता है कि भगवान तय करेगा कि भाई वो गरीब रहेंगे अमीर रहेंगे, उनको अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और इस भरोसे की वजह से वो कुछ करना नहीं चाहता, जबकि ये भी एक कड़वा सत्य है। देखिए जैसे प्रैक्टिकल भी भाई क्रिकेट पे ले जाना पड़ेगा, वर्ल्ड कप का फाइनल होता है किसी दूसरी कंट्री में जी, और यहाँ भारत में लोग बैठ के जो है वो यज्ञ करते हैं, हाँ, और वो इसको कहते हैं कि यज्ञ से जो है भारत वहां जीत जाएगा, आप इसको संस्कृति कह सकते हैं, मैं इसको पाखंडवाद कह सकता हूँ। आप यहाँ जो है ना ये जब बीमारी आती है तो आप यहाँ यज्ञ करते हैं, जैसे अभी अभी कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा था कोरोना का, लेकिन वहां आप जो है हरिद्वार में कुंभ के नाम पे आप रुकने को राजी नहीं थे, सरकार आपसे मांग कर रही थी, तो वो वहां के जो महंत और वो सब लोग थे महामंडलेश्वर, वो कह रहे थे नहीं
ये तो होकर रहेगा, मौत तो आनी है। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि जब बीमार होते हैं तो यज्ञ क्यों नहीं कराते अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ के? क्यों जाते डॉक्टर के यहाँ? क्यों बड़ी बड़ी वो आपने वो खोली, आप जो है क्यों जो है हवन करके जो है, या आप ये धर्म ग्रंथ पढ़ के जो है आईपीएस आईएएस की परीक्षा क्यों नहीं देते? मैं जो आडंबरवाद पाखंडवाद के खिलाफ हूं, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 को मानता हूँ। सबको धार्मिक समानता है, स्वतंत्रता है, कोई किसी धर्म को माने, कोई किसी तरह से उसको करो, लेकिन उसके आड़ में अगर आप दलितों की मूछें रखने पे, उनके घूमने पे, उनकी स्वतंत्रता पे, महिलाओं के अधिकारों पे अगर आप कुठारघात करते हैं या उनको जो है उनके जीवन, उनके उनके सम्मान का खिलवाड़ करते हैं, तो मैं इसका पूर्ण विरोधी हूँ। जी और फिर उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अब ये आजाद भारत में और जब भीम आर्मी है तो ये नहीं चलेगा। सही बात, सबको समानता, सबको बराबर के अधिकार हैं, अब ये नहीं चलेगा। उन लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हम भाईचारे को, हम बुद्ध कबीर रविदास को मानने वाले लोग हैं, हम गुरु नानक देव को मानने वाले लोग, हम तो भाईचारे की बात करते हैं, हम बदले की बात नहीं करते हैं। वरना तो बहुसंख्यक लोग हैं हम लोग, हम तो बदलाव की बात करते हैं। सही बात है। अब वो बदलाव अगर मैं किसी को आप हजम ना हो तो नहीं, मैं तो आपकी इस राष्ट्रपिता बात को ज्योतिबा थोड़ा फुले को सा मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपकी इसी बात को थोड़ा सा देश के सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। जितने भी लाइव लोग हैं आज यहाँ पे, उनको शायद मेरी बात बुरी भी लग सकती है, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि वो बुरी लगे अच्छी लगे। लोगों ने जी क्या हुआ है हमारे देश में, पूरे समाज को लेकर के, जो हिंदू संस्कृति की बात है, देव देवताओं की बात है, कर्मकांड की बात करके पूरी हिंदू संस्कृति कह दिया गया। मैं आज आपको बताता हूँ, मेरी पूरी रिसर्च है, पूरी सब चीजें हैं। इस देश में एक भी ब्राह्मण नहीं है जिसने ग्रंथ लिखा हो। अच्छा इस देश में किसी ब्राह्मण ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। आप अगर गीता की बात करते हैं तो उसको गीता को कहने वाला भी वो शूद्र था। उसको शूद्र कहते हैं, यादव को, चाहे उसको दलित कह लें या आप उसको बहुजन कह लें, वो यादव था। जिसके आप कृष्ण की बात करते हैं, और उसको सुनने वाला भी क्षत्रिय था, वो ब्राह्मण नहीं थे दोनों के दोनों। और हुआ क्या अच्छा है, हाँ, जितने भी आप पुराण की बात करें, आप महाभारत की अगर बात करते हैं, मेरी हमेशा लड़ाई चलती है। मैं हमेशा अपने दलित भाइयों को ये कहता हूँ, भाई हमारी लड़ाई जो है वो इन इन लोगों के साथ में, जिन लोगों ने हमारी पूरी संस्कृति को छीन लिया है, जिनको हमें ले जाकर के बहुत आगे लेके जाना था, उन लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया, वो हमने कही है, मैं प्रयास आपसे है। पूछना चाहता हूँ सैनी साहब, जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से आप सोचे, जी बहुजनों के हिस्से में क्या आया कुछ भी नहीं आया ना, है अभी उन्होंने तक? कब्जा तो कर लिया। वो यूनिवर्सिटियों में नहीं है, टॉपर यूनिवर्सिटी कुलपति वो नहीं है, वो हायर जुडिशरी में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं है, वो जो सेक्रेटरियट है चाहे स्टेट के हो चाहे सेंटर के, उनमें नहीं है, वो सरकारों में नहीं रही। ये 15% जो है स्वर्ण जाति के लोग ही सरकारों में रही, यही प्रधानमंत्री, यही जो है मुख्यमंत्री बने हैं। फिर देश को गुलाम देश, ये जो आज जो आर्थिक क्राइसिस हो गया है देश में, जो ये बुरा हाल है, इसके जिम्मेदार कौन है? महंगाई जो बढ़ रही है, आप कब तक जो है आरक्षण पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे? कब तक जो है आप झूठ को झुला, उसको सच को झुठलाते रहेंगे? जब 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 संविधान भी नहीं था तो ये किन लोगों की वजह से गुलाम बना भारत? जब सही तो बात है, शूद्रों को, छूतों को तो अधिकार ही नहीं थे, तो मुगल कहां से आके शासन करके अंग्रेजों ने किनको गुलाम बना दिया? जब तो आपके हाथ में पावर थी, आप जब तो आरक्षण भी नहीं था, तब आपने क्यों नहीं रोक लिया? तब आपके आपकी तलवार का बल कहां चला गया था? आपकी बुद्धि का ज्ञान कहां चला गया था? तब आपने भारत को गुलाम कैसे बना दिया? इतने लोग आके भारत पे आक्रमण कर जाते हैं, तब जो है चंद चंद जो है मुगल आके और चंद जो है आ जाते हैं वो अंग्रेज, और वो भारत को गुलाम बनाते हैं। ये चाटुकारिता छोड़ के सच स्वीकार कीजिए, यहाँ के बहुजनों में बल है, उस बल को छल कपट से आपने जो है उसको निग्लेक्ट किया, उसको पीछे हटाया, धकेला है, और धर्म के नाम पे आप लोगों के अधिकार नहीं छीन सकते हैं। अब इस चीज से जो है उनको अपने अपने जो उन्होंने अपराध किए हैं उनको स्वीकार करके जो है ना एक अच्छे भारत की, स्वस्थ भारत की और स्वस्थ समाज की कल्पना उन लोग करनी चाहिए। हमने आज तक उनको वोट देके बनाया, भाई वोट तो बहुजनों के पास है, 85%, इन्हीं की वजह से तो वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। अब क्या दिक्कत है? अगर आप बहुजनों को, वंचित वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना देंगे तो क्या दिक्कत है? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है हायर चेयर पे बैठ के, तो क्या पता ये अच्छा कर जाए? तो अब इनको मौका देना पड़ेगा, और इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों को आना चाहिए स्वीकार्य रूप से राजनीति में और आके काम करना चाहिए। क्या गलती है? सही बात है। इसी बात पे मैं आपकी बात कहूंगा कि बहुत पहले की बात है, आपको शायद याद होगा, औरंगजेब ने इस देश में एक जजिया कर लगाया था। आपको शायद पता होगा, एक जी जजिया कर लगाया गया जी था, पता है ना। है। हाँ उस जजिया कर में बड़ा, मैं पढ़ रहा था, इसलिए डिस्कशन भी हो रहा था, कि पूरे देश पे जजिया कर लगा था,
और लगने के बाद में एक पूरा समाज जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो पूरा समाज औरंगजेब के पास पहुंचा था और उसने कहा था जजाकर हम पर लागू नहीं होता बिकॉज हम इस देश के रहने वाले नहीं। हाँ तो मैं बस वही कह रहा हूँ, आज आप ये कह देंगे तो अभी आपको यहाँ कुछ लोग आ जाएंगे तथाकथित लोग, गाली देंगे आपके कमेंट में आके, वो कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं। और ये सच है, मैं तो खुल के कह देता हूँ, ये सत्यता है। जहां मैं कार्यों की वजह से सब लोगों का सम्मान करते, जैसे मैंने पंडित राहुल संकत्यान का जिक्र किया आपसे, वही वही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहां उस समय के ब्राह्मणों ने ये कहा कि हम तो इस देश के है ही नहीं, तो इस देश वालों पे तो कर लगता है, तो हम पे तो कर ही नहीं लगता, तो कब तक आप झुटलाते रहोगे। ये तो जो है पंडित नेहरू ने भी कहा कि हम आर्यन देश से जाओ और हम यूरेशिया से हैं बाहर से, ये तो सारे ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। इसका दस्तावेज है कि ब्राह्मणों ने औरंगजेब को बात कही थी कि हम इस देश के वासी नहीं है, हम इस देश के रहने वाले नहीं, हमें जजा करना लगा जाए, और उन्होंने तो हमसे जजा करा दिया गया। इस देश के 52% पिछड़ों को 27% आरक्षण, और भागीदारी की बात करें तो आप ओरिजिनल डाटा मंगा लीजिए, सेंट्रल सेक्रेटरियट में एक बैकवर्ड का व्यक्ति नहीं है जी। तो ये 15% लोगों में भी, ये 3% लोगों ने, ब्राह्मणों ने सबके अधिकार खाए और सारी जगह बैठे हुए, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, और ये कहते हैं हम बुद्धिमान जी। तो जब हमें मौका मिला बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में, तो हमने संविधान लिख के पूरे देश को, 100 करोड़ लोगों को जो है चलने का रास्ता दिया। जब जब हमें जो है मौका मिला, हमने जो है करके दिखाया। और अब भी अब मुझे लगता है कि राजनीतिक चेतना जब बहुजन समाज में जाएगी तो वो लोग इसको करके दिखाएंगे, और आने वाला भारत जो है वो सम्राट अशोक के सपनों का भारत होगा। तो कब तक जो है पिछले वर्ग के लोगों को जो है बेवकूफ बनाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2017 का चुनाव स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पे लड़ा गया, नहीं केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे, बीजेपी ने लड़ा। देखो ये पहले नहीं, ये पहले से झूठे नहीं थे, ये आज भी झूठे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे पूरा चुनाव लड़ा गया, और गांव गांव जाकर कहा गया कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना है, और फिर मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ को। और मैंने अभी एक ट्वीट किया, ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसी संस्कृति जिसके नाम पे जो है ना, आज भी आज मैंने 4 कटिंग श्री पूर्वांचल की देखी, चार जगह रेप, सामूहिक बलात्कार और चीज, जिस राज में बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, महिलाएं सुरक्षित ना हो, हमारा सम्मान, हमारी मातृशक्ति सुखने, ऐसी सरकार को बेदखल कर देना चाहिए, ऐसी सरकार को जो है उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि जिस शासक के राज में प्रजा सुरक्षित ना हो, लोग सुरक्षित ना हो, ऐसे लोकतंत्र की जो शक्ति जिसको अक्षुण किया गया हो, ऐसे 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 व्यक्ति को तो मुख्यमंत्री कहलाने का भी अधिकार नहीं है, बन के रहना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि 2022 में तो हम बदल देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता को ज्यादा जो है परेशान नहीं होने देंगे, बहुत इसी बात पे कि अभी 2022 में इलेक्शन है, तो इसके लिए जो हमारी आजाद समाज पार्टी है क्या तैयारियां हैं, मतलब किस तरह की स्थिति है, आप किस तरह इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं 2022 के लिए जी? देखिए यूपी जो है ना एक बड़ा प्रदेश है, यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, और केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इस बार केंद्र के बीजेपी और सत्ता के बीच में जी, इस बार भीम आर्मी खड़ी है, आजाद समाज पार्टी खड़ी है, और चंद्रशेखर आजाद खड़े, ये बहुजनों का वो बेटा है जो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से नहीं डरता, जो मुकदमों से नहीं डरता है, जो जेल से नहीं डरता है, जो गोलियों से नहीं डरता है, और जो किसी भी कीमत पे गुलामी स्वीकार नहीं करता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे ईमानदारी से उन गरीबों ने नेतृत्व करने का अधिकार दिया, मुझे मौका दिया, जिनके तनों पे कपड़े नहीं है इस व्यवस्था की वजह से, जिसको आप सांस्कृतिक विवाद से आदि लोग करते हैं, जिनके जिनके सर पे छत नहीं है, जहां बहन बेटियों को जो है ना पढ़ने की आजादी नहीं है, घूमने की आजादी नहीं है, अपनी मर्जी से वर चुनने की आजादी, उस उत्तर प्रदेश में, उस देश में आज बहुजनों के पास जो है स्वतंत्र जो है राजनीति है। हम लोग जो है अब जैसा मैंने कहा कि हम लोग साइकिल यात्रा शुरू करने वाले हैं, और हम गांव-गांव जाके पिछड़े वर्ग के लोगों में, दलित वर्ग के लोगों में उनको जोड़ने का काम करेंगे, कैडर स्टार्ट करेंगे, माइनॉरिटी में कैडर स्टार्ट करेंगे, अपने सिख भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में, बुद्धिस्ट भाइयों में, जैन भाइयों में, ईसाई भाइयों में, पारसी भाइयों में बहुजन कैडर स्टार्ट करेंगे, उनको वोट की वैल्यू समझाएंगे, उनको जो है सत्ता की ताकत बताएंगे, क्योंकि आज अगर इस देश का बेड़ा गर्क इन लोगों ने किया है, इस देश के संसाधनों को बेच रहे हैं, इस देश के सरकारी डिपार्टमेंट को बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं पूर्ण रूप से, और जो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो बुरा ये है,
ये हिंदू संस्कृति की बात करने वाले चोर लुटेरे, जहां अंतिम संस्कार को एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है, वहां इनके राज में हजारों लाशें जो हैं वो गंगा में तैरती हैं, और उनके उनको जो है ऐसे ही जो है दबा दिया जाता है रेत में, और फिर उनको उनके ऊपर चर्चा होती तो उनके कपड़े उतार ले ऊपर से हटा दिए जाते हैं। ये संस्कृति के नाम पे लुटेरे जो बैठे हुए हैं, इनका आडंबर पाखंडवाद खत्म होने वाला है। धर्म जोड़ता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ ज्यादा दिन नहीं बना सकते, क्योंकि झूठ को जो है ना वो पैर नहीं होते, और सत्य कभी पराजित नहीं होता। अब सत्य की जीत होगी। ये जो आप कर रहे हैं झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे, मैं आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से कहना चाह रहा हूँ, ये भारत है इमोशनल देश, लेकिन जब यहाँ कोई शहीद होता है ना तो 2 दिन हम उसको याद करते हैं, बाद में उसके बच्चों को रोटी कौन देता है, उनको उनको उनकी पढ़ाई की फीस कौन देता है, जो बहन जो विधवा हो जाती है उसके सम्मान की, उसकी सुरक्षा की, उसके जीवन यापन की कौन ध्यान रखता है, उसी बहन को जिसकी जिस शहीद के लिए हम लोग नारे लगा रहे होते हैं, आंखों में आंसू भर रहे होते हैं, वो शहीद परिवार जो है पेंशन के लिए भी दर दर की ठोकरे खाता, और यहाँ बैठे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी उनसे उसके इस उनके पेंशन के नाम पर रिश्वत लेते हैं, ये भारत। तो यहाँ ये जो झूठा राष्ट्रवाद जो है जिसके नाम पे जो है छला जा रहा है लोग, अब इस गुलामी से लोगों को मुक्त कराएंगे, और लोगों को ओरिजिनल जो है जो यहाँ वास्तविकता में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे अभी अभी मेरे पास रिपोर्ट है कि अभी 69,000 जो है 69,000 शिक्षकों की 60 शिक्षकों की भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में, और जिसमें कई मेरे पास वीडियो आई कि बहुत सारी महिलाएं और बहनें, क्योंकि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ, वो आत्महत्या करने को, और उन्होंने वो मांगा है राष्ट्रपति से जी, इच्छा मृत्यु की मांग की है। तो जो लोग जो है आपको अधिकार नहीं दे सकते, आपको सम्मान से जीने की व्यवस्था नहीं दे सकते, जो आपके जो आप पे अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं, जो आप जो मतलब न्याय प्रिय नहीं है, ऐसी सत्ता को हटाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और जो एक बड़ा गठबंधन बना के उत्तर प्रदेश के अंदर जो सेम विचारधारा के लोग है भारतीय जनता पार्टी का, उनको एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोक के यहाँ एक अच्छी सरकार देंगे, मजबूत सरकार, वो जिसमें सबकी भागीदारी हो, जिनके जिसमें सबके लिए काम। जी जी, तो अब वो जो है संघर्ष जारी है, निजीकरण पे रोक लगेगी, 52% ओबीसी को 52% रिजर्वेशन, जातिगत जनगणना, जो जो बेहद अहम मुद्दे हैं, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि भाई ये मुद्दे क्या रहेंगे हमारे और क्या वो मुद्दे फेल हो जाएंगे, तो उन मुद्दों की बात आपसे कर रहा हूँ, जो जैसे नौजवानों के लिए बेरोजगारी जी, कोई रोजगार नहीं दिया सरकार ने, जो था वो छीन लिया, और शिक्षा एजुकेशन बजट कम कर दिया है, और स्कॉलरशिप कम कर दी, और जो वैकेंसी निकल रही है वहां जो है आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने लोग भरे जा रहे हैं, लेटरल एंट्री हो या और कुछ हो, तो ये सब चीजें, और जातिगत जनगणना जिसका जिक्र नहीं करते, जहां धर्म आड़ा जाता है, जानवरों की जनगणना होती है, कुत्ते बिल्ली की होती है, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों की नहीं होगी, तो वो जातिगत जनगणना होगी, ठीक है। और जो जो सबसे बड़ा सवाल है कि देश विदेश में यहाँ के बच्चे पढ़ने जाएं और वो वहां से सीख के जो है भारत के अच्छे भविष्य का निर्माण करें, उनकी उनकी जो है बात होगी जो है, जो लोग जेल काट रहे हैं इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उसमें उनकी न्यायिक जांच करा के उनको बाहर निकालने की बात होगी, जातिवाद के खिलाफ बात होगी, सांप्रदायिकता का खात्मा होगा, महंगाई के खिलाफ काम करेंगे, आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करेंगे, आवास, पेयजल, मकान, रोटी, कपड़ा सबके लिए, सारे मुद्दों पर काम करेंगे, जनता को जागृत करेंगे, और उत्तर प्रदेश की महान जनता का जब बहुमत आएगा, उनका जब वोट आएगा, तो आप देखना कि उत्तर प्रदेश से ये मूर्खों की सरकार, ये पाखंडियों की सरकार जो है, ये भ्रष्ट सरकार गायब हो जाएगी, जिस विश्वास से जनता ने इनको वोट दिया था, वही जनता जो है इन्हें सबक सिखाएगी। जी जी, आजाद साहब, आपसे पूरी बात करके ये बात मेरी समझ में आ गई है कि इस देश में एक ऐसी सरकार, एक ऐसी पार्टी खड़ी हो रही है जिसकी जरूरत है इस समय, और आज तक लोगों ने सिर्फ जो है भ्रमात्मक प्रचार करके, लोगों ने सिर्फ उसकी एक आईना दिखा करके लोगों को भ्रमित किया, लेकिन आपकी बात को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भविष्य उज्जवल है, और भविष्य में जो है वो चीजें घटने वाली हैं जिसकी सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे वो दलित समाज है, चाहे हमारा बहुजन समाज है, जितना भी समाज है हमारा, वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आपने जो आज बातें कही हैं वो शत प्रतिशत घटेंगी, और जो मुद्दे आप लेके चल रहे हैं आप सत्ता में आएंगे और बनेंगे।
अभी ये राजनीति की बात है, आपसे एक पर्सनल बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपका जो स्टाइल है, मैंने देखा है आपको फेसबुक पे यहाँ सब जगह है ना, आपका जो स्टाइल है, आपकी मूछें रखने का स्टाइल है, आपके कपड़े पहनने स्टाइल है, इसके पीछे कुछ खास कारण? आपने एक राजनीति से हट करके कुछ एक अलग तरह की जो बात एक की है, जो आप बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं समाज में खड़े होकर के, मैंने कई सारे फोटो देखे आपके, इसके बारे में मैं आपसे एक पर्सनली एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ताकि हमारी ऑडियंस, हमारे जितने भी लोग इस बात को जाने कि आजाद साहब इस बात को लेकर के क्यों, इसके पीछे खाली उनका अपना शौक नहीं, इसके पीछे भी कोई कारण है, एक वजह है, वो जानना चाहता हूँ मैं आपसे। नहीं देखिए, मैंने कई बार महसूस किया कि इन चीजों के नाम पे, संस्कृति के नाम पे जो है ना, शोषण किया जाता है जी। मैं उस शोषण के खिलाफ, तो जब जब जिस चीज से को ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हथियार बनाएगी जी, तब तक मैं उनके उन चीजों के खिलाफ जो है पूर्ण ताकत से लड़ूंगा, इतनी ताकत से कि सामने वाला आदमी जो है वो चकरा जाएगा कि इसका तोड़ क्या है, जिस चीज का के ऊपर जो है ना हम पे बाउंडेशन लगाई जाएगी, रोका जाएगा जिस चीज से हमें कि हम ये नहीं करने देंगे, उन्हीं उसी उस चीज पे मैं तटस्थ होकर खड़ा रहूंगा स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी लड़ाई है पूंजीवाद से, हमारी लड़ाई है ब्राह्मणवाद से, और ये सामूहिक लड़ाई हमें जीतनी है। हमें देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का माननीय कांचीराम साहब का जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाना है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने गुरु माना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जी, और वो उनके विचारों की वजह से माना, और काशीराम साहब ने गुरु माना माननीय बाबा साहब अम्बेडकर को उनके विचारों की वजह से, और हमने गुरु माना बाबा साहब अम्बेडकर को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, छत्रपति साहू जी महाराज को, और जो तमाम जो हमारे विचारक और हमारे नेता हुए, महानायक हुए, और माननीय काशीराम साहब को, माननीय दीना भाना वाल्मीकि साहब को, हमने अपने साहित्य जो साहित्यकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और बहुत सारे लोग, बाबूलाल चवारिया जी और बहुत सारे जो लोग हैं, शिवराज सिंह बेचैन, जिन्होंने साहित्य पे काम किया, हमने उनको भी पढ़ा और हमने तमाम तरह का प्रैक्टिकल वो भी देखा जीवन में भी। तो इसलिए जो है मैं इस भाव को मानता हूं जी, कि भाई अब जो समय है ना वो बदलने का समय, चीजों पे काम करने का समय जी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये स्टाइल है, मुझे लगता है कि देखिए भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, और संविधान में सबको बराबरी के अधिकार दिए, खूब कोई कैसे रहे, खूब ही कोई कैसे खाए पिए बैठे, अगर कोई इसमें किसी के अधिकार छेड़खानी करता है तो उसके परिणाम जो है वो आईपीसी है या सीआरपीसी है, फिर उसको जो है वो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं तो मुझे लगता है कि जो मुझे अच्छा लगता है, मूछें रखना अच्छा लगता है, चश्मा पहनना अच्छा लगता है और पैन लगाना अच्छा लगता है, तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सब लोगों को बराबरी के अधिकार, सब लोग समानता से रहे। तो हम एक उद्देश्य के लिए निकले हैं, वो है पूर्ण स्वराज जी, हमारा अपना राज और समता मूलक समाज बनाने के लिए हम लोग निकले हैं, और उस उद्देश्य में हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मैं तो सिर्फ जो है ना, फूले, साहू, अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, रविदास और गुरु नानक देव, ये जो हमारे संत गुरु महापुरुष है, उनका जो आंदोलन है, मैं तो जैसे उसमें उसका सिपाही हूँ, एक काशीराम साहब के आंदोलन का एक सिपाही हूँ, और उस सिपाही का काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक जीवन का आखिरी समय रहेगा, करता रहूंगा। इसीलिए हूँ, उनको आदर्श मानता हूँ, उनके सिद्धांतों को मानता हूँ, उनको आम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं सर, ये जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक चीजें बदलेंगी नहीं, और आज तक जो कुर्ता पजामा पहन करके जो राजनीति हुई है, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ, वो अब चलने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है ना, वो अब जो है एक अलग नया रंग आया है, नई चीज आई है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, बहुत टाइम हो गया, आपका कैमरा शायद ऑफ हो गया। हाँ, इसमें शायद बैटरी की दिक्कत हो गई है, लेकिन ये ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें। हाँ, तो हम भी जब इंडस्ट्री में आए थे, फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक दौर था हमारे यहाँ पे कि जिस राइटर के पास कुर्ता पजामा नहीं पहनता है, वो पैन नहीं लगाता है, झोला नहीं पहनता है गले में, तो उसको राइटर नहीं मानते थे। हम लोगों ने उस चीज को बदला, कहने का नहीं, ये गलत है, ये तरीका नहीं हो सकता है, और आज इंडस्ट्री में ये हो गया है कि राइटर जितना स्मार्ट होगा उसको ज्यादा काम मिलता है, उसको लोग उतना ज्यादा पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज में खड़े होकर के अपनी बात कह सके, और वो दोगली बात ना करें, वो सीधी बात करें। और इसी के साथ में मुझे लगता है समय पूरा हो गया, मैं चाहूंगा कि आज के युवाओं के लिए अगर आप दो शब्द कहना चाहते हैं वो आप कहें, उसके बाद मैं इस साक्षात्कार को अपनी एक बात कहकर के खत्म करना चाहूंगा। आजाद साहब, देखिए भारत में कुछ तथाकथित नेताओं ने ये अंधविश्वास फैला दिया है जी, कि
भगवान गरीबी अमीरी और असमानता तय करता है, और लोग जो हैं इस कारण से सब कुछ जो है भाग्य और भगवान के भरोसे जो है छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कर्म, ये देश जो कर्म प्रधान देश है जी, और जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा कि भगवान को क्या वो उन जब कहते हैं ना कण कण में भगवान है, जी और जब ये कहते हैं कि भाई कण कण में भगवान है, तो फिर मैं पूछता हूँ कि भगवान को वो चीखे क्यों नहीं सुनाई देती जब 10 लोग मिलके एक छोटी बच्ची का, एक नाबालिग बच्ची का रेप करते हैं या उस परिवार को जला देते हैं, या बिहार जैसा जो है नरसंहार किया जाता है, फिर भगवान उनको खुद क्यों नहीं सजा देता, फिर वो आरोपी बच जाते हैं। और फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैसे जैसे, और मैं ये सवाल आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि बहुत जरूरी सवाल है, आपने संस्कृति मुझसे सवाल किया था तो मुझे लगा कि मुझे ये बात कह देनी चाहिए आपको और हमारे श्रोता जो है उनको भी, कि जो भगवान इस इन्हीं ग्रंथों के हिसाब से जो भगवान इस सृष्टि को चलाता है, क्या उस भगवान को तक पहुंचने के लिए जो कण कण में जिसने हम सबको बनाया इन ठेकेदारों की जरूरत है जो बीच में बैठे हुए हैं, उनकी आवश्यकता नहीं? आप ये कहते हैं आपके ग्रंथ, आपके हिंदू धर्म के ग्रंथ ये कहते हैं कि भगवान कण कण में है, तो फिर वो जब किसी को नजायज सताया जाता है, किसी निर्दोष को जेल भेजा जाता है, हत्याएं होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, तो भगवान क्यों नहीं रोकता है? और पूरी बात ये है ना भाई, जो मैं आपसे कह रहा हूं और सब लोग सुन रहे हैं, कि जैसे लाला रामदेव जो है ना, मैं जैसे आयुर्वेद के खिलाफ नहीं, लेकिन लाला रामदेव जैसे ठेकेदारों के खिलाफ जो आयुर्वेद के नाम पे जो है ना जनता को, जो बिजनेसमैन जनता को ठगते हैं, जो आयुर्वेद की बात करके जो है ना, और अपने वो घटिया किस्म के प्रोडक्ट जो है जनता को बेचते हैं, और अरबों खरबों पति बजन 10,000 करोड़ के जिनके सालाना के बिजनेस हैं, तो मैं ऐसे ठेकेदारों से जो धर्म के ठेकेदार हैं और वो किसी भी चीज के ठेकेदार हैं, ऐसे लोगों से मुझे नफरत, और ऐसे लोगों के भरोसे लोगों को नहीं रहना चाहिए। उसी कड़ी में ऐसे नेताओं के भरोसे भी जिनके राज में भ्रष्टाचार बढ़ा हो, देश में इकोनॉमिक जो है कंडीशन खराब हुई है, जीडीपी की दर जो है वो डाउन चली गई हो, जहां बेरोजगारी बढ़ी हो, महंगाई बढ़ी हो, शोषण बढ़ा हो, अत्याचार बढ़ा हो, बेरोजगारी बढ़ी हो, ये तमाम तरह की जो परेशानियां खड़ी हो, ऐसे नेताओं के भरोसे नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैं गुरु मानता हूं माननीय काशीराम साहब को, वो नौकरी में थे, आज के युवाओं की प्रायोरिटी होती है नौकरी, मगर वो नौकरी करते हैं परिवार के लिए, और अगर हम देश के और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो माननीय काशीराम साहब ने नौकरी छोड़ी बाबा साहब को पढ़ने के बाद, तो उन्होंने काम किया। और उसी तरह से जो है, अगर हम देश का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमें ये राजनीतिक नौकरी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये काम इस देश का पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं करेगा, नौजवान नहीं करेगा, तो अयोग्य लोग शासन करते रहेंगे, और जब अयोग्य लोग शासन करेंगे तो कोरोना काल में लोग जो हैं वो दिया जलाएंगे 5 बजे और घंटी और वो बजाएंगे, चम्मच बजाएंगे, तो और उससे कोरोना भाग जाएगा, तो ये इस तरह के पाखंडवाद और आडंबरवाद जारी रहेंगे, यहाँ शोषण बढ़ता रहेगा, गैर बराबरी बढ़ती रहेगी, और भारत जो है वो कमजोर होता रहेगा। अगर इस देश के युवाओं को, जो 51% युवा है, अगर वो अपने देश से प्यार करते हैं तो वो इन नेताओं के झूठे दिखाव के चक्कर में ना रहें, और वो सिर्फ राष्ट्रगान पे खड़े होकर जो है संविधान की मुद्रा में राष्ट्रगान ना गाएं, लेकिन उस अपने राष्ट्रहित के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार हों, राजनीति में आए, और इन भ्रष्टाचारी नेताओं को जो है ना, जो बात करते हुए गरीबों की अमीर हो चुके हैं और जो धर्म की बात करते हुए ठेकेदार हो चुके हैं, ऐसे लोगों को नकार दें, और एक अच्छा स्वस्थ समाज और स्वस्थ सरकार बनाने के लिए एक ऐसी सरकार बनाएं जिससे में युवाओं की भागीदारी, क्योंकि युवाओं में 24 घंटे 7 दिन की एनर्जी है, और युवा के अंदर छल कपट नहीं जी। युवा जो देश की सेवा करता है, जो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है, वो सीमाओं पे, वो देश के अंदर रह के भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को ताकतवर बनाने के लिए भी बलिदान दे सकता है। वो बलिदान देने का आसान तरीका कि वो राजनीति में आए, राजनीति को स्वीकार है, क्योंकि कानून यहां बनते हैं जी। हम 51% युवा सदन के बाहर खड़े होकर कानून नहीं बना सकते हैं भाई, सही बात, कानून बनाने के अंदर जाना पड़ेगा, सब सदन के अंदर, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, जब वहां जाएंगे तब कानून बनाएंगे, अगर हम परिवर्तन चाहते हैं। और जो समस्या जिसका हम रोज व्याख्यान करते हैं कि ये समस्या उनके निदान के लिए, हमें जाना पड़ेगा सदन में और वहां जाके कानून बनाने पड़ेंगे, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। और अगर आप दूसरों के भरोसे छोड़ोगे तो दूसरों के कंधों पे तो अर्थियां जाती है, सही बात, लड़ाई तो अपने कंधों पे लड़ी जाती है, अपने इशारे पे लड़ी जाती है, धारा के विपरीत तो तैराक तैरता है, धारा के प्रभाव में तो लाशें तैरती हैं। तो अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आइए,
और आके इस लड़ाई को, इस लड़ाई में शामिल हुई और जीती। और मैं तो देश के करोड़ों नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि अगर अपने देश को बचाना चाहते हो ऐसे झूठे लोगों से, तो आओ मिलके जो है ना इस देश में, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं और इस देश में बराबरी, सबको बराबरी और अधिकार मिले इसके लिए भी काम करते हैं। यहाँ से पूंजीवाद और ये साम्राज्यवाद, साम्यवाद और ये जो ये साम्य ब्राह्मणवाद का नाश हो, यहाँ से जातिवाद खत्म हो, भाईचारा बने, समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा तैयार, समता मूलक समाज बने, इसके लिए आगे बढ़ के जो है कदम बढ़ाए और राजनीति को स्वीकार करें। जब आप अपना अपना एक फोन दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ते हैं तो देश की तकदीर दूसरों के भरोसे, हाँ देश की तकदीर इन चोरों के भरोसे क्यों छोड़ा हुआ। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी है। तो चंद्रशेखर भाई बड़ा मजा है आपसे बात करके और बहुत सारी भ्रांतियां, मुझे उम्मीद है जितने लोग आज सुन रहे हैं उन सबकी भ्रांतियां दूर हुई होंगी और जो वो जो बिना मतलब की, बिना तथ्यों की, बिना साक्ष्यों की जो बात करते हैं उनके भी सब बातें निकल गई होंगी दिमाग से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप उद्देश्य लेकर के, जो पर्पज लेकर के आप आगे बढ़े हैं वो कामयाब होगा। और आपकी इस पूरी बातचीत से, पूरी जो आपने बातचीत की आज, इससे मैं बड़ा मुतमईन हुआ हूँ और मैं माइथोलॉजी लिखता हूँ और आगे भी लिखता रहूंगा शायद, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपने युवाओं की बात की है। अगर भविष्य में ऐसी कोई मुझे जिम्मेदारी इस पार्टी देती है, मैं इस पार्टी में काम करने के लिए आता हूँ, मैं इसका कार्यकर्ता बनता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और मुझे लगता है कि जब तक हम नहीं जागेंगे तो देश नहीं जागेगा, जब तक हम खड़े नहीं होंगे तो देश में खड़ा करना आपकी बात बिल्कुल। तो आपको अपनी लड़ाई, अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका आजाद समाज पार्टी में स्वागत है, आप आइए मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और अपने भारत को मजबूत भारत बनाएंगे। और सभी के लिए मंगल कामनाएं, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और आपके सभी परिवारों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान और नमस्कार सभी को, सलाम, सत श्री अकाल, आप सभी का मंगल हो, चढ़ती कला, जय भीम, जय भीम, नमस्कार, जय भीम।